हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज के हड़ताल का अब जनजीवन पर भी भारी असर पड़ता नजर आने लगा है। महाविद्यालय से लेकर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी निजी वाहनों के जरिए यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ा है। राजस्थान रोडवेज के हड़ताल जिले के पाली व फालना में सातवें रोज भी लगातार जारी है। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के चलते रोडवेज डेपो के केंद्रीय बस स्टैंड कार्यशाला में ताले लगे हुए हैं। वहीं निजी वाहन मार्ग के चालकों ने हड़ताल के चलते दुगने किराए पर पैसे वसूल कर यात्रियों के साथ बदसुलूकी करने की भी शिकायतें पुलिस को मिल रही है। रोडवेज हड़ताल के चलते पाली और फालना अगार को अब तक लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं पाली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोडवेज की सेवाएं ठप होने के कारण ग्रामीण स्कूलों व महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज हड़ताल के चलते जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक बंदोबस्त करने के दावे भी पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।